हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर, जिसका पोस्ट कोड है 93/20। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है, ये आई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कूल है उसके अंदर TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर, यानी कि जो BEd में, जिन लोगों ने BEd स्पेशल एजुकेशन किया होता है, ये उन लोगों के लिए है। ये मैं बता चुका हूँ, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था दोस्तों 8 अगस्त को, और ये जो नोटिस आया था यानी कि जो कट ऑफ आई थी वो आई थी 29 अक्टूबर को, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टोटल वैकेंसी थी 978। अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, देखो इसकी कट ऑफ जो गई थी वो मिनिमम गई थी, उसके बावजूद यहाँ पर डोजियर के लिए जो मतलब कॉल डोजियर के लिए जो कॉल करी थी, तो यहाँ पर सिर्फ 540 बच्चे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, टोटल ऑफ 540 कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन मार्क्स अबव और इक्वल टू कट ऑफ मार्क्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। अब दोस्तों, सिर्फ 540 बच्चे ही जो है क्वालिफाई हुए थे। तो इसके अंदर दो बातें हैं, एक तो ये बताने वाला हूँ कि इसका रिजल्ट जो है आने ही वाला है, क्योंकि अभी जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है फरवरी 16 और ये वीडियो अपलोड होगी फरवरी 17 को। दोस्तों, इसके अंदर जैसे क्योंकि यहाँ पर सीट्स फिर भी बच जाएंगी, तो इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आई है और मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताता हुआ चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पहला जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो 2011 में आया था 858 वैकेंसी के लिए, पोस्ट कोड था 64/11 और ये एडवर्टाइजमेंट ही कैंसिल हो गया था। फिर 2013 में फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आया जिसके अंदर 927 जो वैकेंसी थी वो उनका वादा किया गया कि भाई 927 वैकेंसी आनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन टीचर की, जो कि आई भी। पोस्ट कोड था 1/13, ये मैंने देखा हुआ है, मुझे याद है इसका, और 214 इसमें जो है फिल हो पाई थी सिर्फ। अब 2014 की बात अगर हम कर लेते हैं तो 670 यहाँ पर वैकेंसी आई थी, क्योंकि 214 इसमें से भर गई, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी कम हो गई, 670 आई थी जिसमें से 238 फिल हो पाई थी। 2017 का मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि 2017 में मैं तैयारी कर रहा था 15/17 और 87/17 का जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है, एग्ज़ाम वगैरह सब सेम सा चल रहा था, जैसे कि अभी 32/21 का और 93/20 का चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए 2017 में 1329 वैकेंसी आई थी, 281 फुलफिल हुई थी, 2020 में 1326 आई है। दोस्तों, यहाँ पर 1326 यहाँ पर वैकेंसी कुछ और दे रहा है, यहाँ पर इन्होंने आंकड़ा गलत कर रखा है, मैं आपको दिखा दूं, 93/20 के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है वो 978 वैकेंसी आई है। दोस्तों, 978 वैकेंसी आई है और 540 डोजियर आए हैं, 540 डोजियर आए हैं, ये करेक्ट है। अब दोस्तों, बात क्या है यहाँ पर, जो बात ये है कि भाई हर बार वैकेंसी खाली जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है हिंदुस्तान न्यूज़ में, मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल पे जा रहा हूँ मैं, और ये मैंने पहले तो नोटिस डाउनलोड करा था TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का, और अब मैं दिखा देता हूँ कि हिंदुस्तान न्यूज़ के अंतर्गत क्या उन्होंने खबर दी है। इन्होंने ये बताया है कि भाई विशेष शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, क्या खाली पदों को भरने के लिए बढ़ा सकते हैं उम्र सीमा, यानी कि अगर ये इफ़ेक्टिव होता है, ये इफ़ेक्टिव होता है, एक तो इनकी न्यूज़ को पहले वो करूँ। कई प्रयासों के बाद भी दिल्ली के सरकारी और निगम स्कूलों में मूक बधिर दृष्टिहीन और यहाँ पर मानसिक मंद दृष्टिहीन और मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों को समुचित शिक्षा मुहैया कराने के लिए विशेष शिक्षकों की खाली सीटों को नहीं भरा जा रहा है, क्योंकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। अब हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये बताने के लिए कहा कि क्या विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अगर अधिकतम उम्र सीमा बढ़ती है तो सिंपल सी ये वाली बात है कि भाई ओवर एज, यानी कि जिन कैंडिडेट की ओवर एज है, जो मतलब जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा है, तो अगर ओवर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो उनको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही अपडेट देनी थी, और उम्मीद है कि फाइनल रिज़ल्ट जो है जल्दी आ जाएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दो बार रिकॉल आ चुकी है इसकी, और मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, उम्मीद है कि CTET का रिजल्ट भी फरवरी के एंड तक, यानी कि आज है 16 फरवरी, 10-5 दिन में CTET का रिजल्ट भी आ जाएगा। थैंक यू।